What's up guys, welcome back to another vlog. Today I am traveling to Lucknow with my four buddies. So we have Varun with me, we have Vivek with me, and Samir bhaiya is just coming in next 5 or 7 minutes. So we just started from our first meeting point, Mahamaya flyover. यहाँ से हम रुकेंगे डायरेक्ट जाके मथुरा, विल टेक अ ब्रेकफास्ट. उसका कोशिश करेंगे बिफोर लंच वी विल हिट लखनऊ, और जो लंच है वो लखनऊ में ही करें. तो सो फार सो गुड, एकदम मौसम बहुत अच्छा है और वेदर फोरकास्ट में भी देर इज़ नो रेन. सो बाइक में काफ़ी मज़ा आएगा, प्लस आई थिंक मतलब ग्रीनरी मिलेगी फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द हाईवे, तो वो भी गलत फन है. 3-4 साल पहले हम लखनऊ गए थे, उसके बाद आज जा रहे हैं. रोड इज़ फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक. तो बहुत स्ट्रेस फ्री राइड है, दैट्स व्हाई आई एम राइडिंग द फैट बॉय ऑल्सो. सो कैच यू इन बिटवीन, देयर इज नथिंग मच टू शो ऑन द रोड, बिकॉज कुछ सीनरी तो होगा नहीं, बट स्टिल आई जस्ट कीप ऑन स्विचिंग ऑन द लोकेशंस. वाओ, कितना बढ़िया मौसम हुआ हुआ है, फॉग हो रखा है और वहाँ पे ऑरेंज अपना सनराइज हो रहा है. Look at this morning sunshine. Just entered Greater Noida. We just stop at this Jewar restaurant Bikano, but it is not operated. It is not started till now, so we are pushing to Mathura only. जब तो मथुरा पहुँचेंगे तो सारे restaurants start हो चुके होंगे. So catch you at Mathura. ब्रेकफास्ट नाउ पुशिंग बैक टू लखनऊ. सो जस्ट अभी फ्यूल अप करा लेते हैं, एक बार हवा चेक कर लेते हैं, उसके बाद में वी विल नॉन स्टॉप अहेड टू लखनऊ. लेट्स गो एंड रिफ्यूल. लेट्स क्रॉस द आगरा टोल. यहाँ से आई थिंक आगरा इज अबाउट 50 किलोमीटर्स ओनली. वहाँ से वी नीड टू टेक अ लेफ्ट टर्न फॉर दी क्या बोलते हैं इसको, लखनऊ एक्सप्रेस वे. वहाँ से शायद हमें 350 किलोमीटर है, तो अनदर 4 to 5 hours. तो टारगेटेड टाइम तो 1 बजे था हमारा, बट वॉट वी आर थिंकिंग कि हम एटलीस्ट 2 बजे तो हम लोग पहुँच जाएंगे. बस रीच आगरा. यहाँ से वी हैव टू टेक अ लखनऊ एक्सप्रेस वे. बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए. सो फार वी कवर्ड ऑलमोस्ट 230 to 240 किलोमीटर्स. तो अभी 350 किलोमीटर्स की जर्नी आगे है. तो आई होप रोड सेम ऐसा ही मिले, बिकॉज काफ़ी लोगों ने बोला कि रोड इतना मतलब है तो एक्सप्रेस वे ही, बट थोड़े से स्नेक टाइप रोड्स हैं और थोड़े एक दो पिट्स हैं. तो यू नीड टू बी कॉशियस वाइल राइडिंग दैट, बिकॉज ये तो एक तरह से प्राइवेट रोड था यमुना एक्सप्रेस वे JP का, तो उसकी मेंटेनेंस फिर भी थोड़ी अच्छी होती है इन कंपेरिजन टू दैट अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे.
तो बंदा मतलब क्रूज लगाए और तो सो जाए बिल्कुल इन लाइन स्ट्रेट। बस थोड़ा सा ये रोड वाला प्रॉब्लम है, ये ख़राब हो रखा है, तो बाइक लहराती है, इसमें को रो रखा है, तो ये दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज तो रोड इज फैंटास्टिक, दोनों साइड लश ग्रीन, ग्रुप टू राइड है, मतलब मज़ा आ रहा है। ऊपर से प्रभु की माया चल रही है, कभी धूप है कभी छाया है, पीछे धूप थी अब छाया है, और अगर ऐसी छाया बनी रहे फिर तो मज़ा ही मज़ा है। मतलब हवा भी ठंडी ठंडी लगती है। सर लेफ्ट विद 100 किलोमीटर्स फॉर लखनऊ, सो आई थिंक नेक्स्ट वन एंड हाफ आवर विल बी देयर इन लखनऊ। सो वी आर एट अ टारगेटेड टाइम। छोटा सा वाटर ब्रेक यहाँ पे लिया था, दैट हैज़ बीन डन। तो अब सीधा हम रुकेंगे होटल और शावर वगैरह लेके, लेट्स सी व्हाट वी कैन ईट टुडे, लेट्स रोल फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन। एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप ना एमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्ट्रिप है कि अगर एमरजेंसी लैंड करना होगा तो यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कोई फेंसिंग नहीं है लेफ्ट राइट पे और कोई पोल नहीं है। और देखो ये बड़ी बड़ी स्ट्रिप दिखेगी बीच में आपको, ये देखो कितनी बड़ी स्ट्रिप है प्लेन के लिए। जब प्लेन लैंड करेगा तो इन स्ट्रिप्स को फॉलो करके प्लेन लैंड। फाइनली वी रीच लखनऊ। अब यहाँ से गोमती नगर जाना है विच इज़ अबाउट 27 किलोमीटर। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, गूगल इज सेइंग 50 मिनट, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कितना लगेगा। नदी वदी टाइप्स आ गई तो ये आई थिंक सिटी उधर है, सिटी के है आउटस्कर्ट से जा रहे हैं। रीच दी होटल ग्रैंड JBR, रीच ऑलमोस्ट व्हाट वी जस्ट थिंक ऑफ इट। वी टारगेटेड टू रीच बाय 2 एंड वी रीच बाय 2:15, तो वी आर ऑलमोस्ट डेल्ड। सो वी जस्ट चिट चैट एट द रूम, उसके बाद वी आर जस्ट गोइंग आउट टू हैव द डिनर। सो वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम लखनऊ, तो ही इज़ जस्ट टेकिंग अस टू द प्लेस टू हैव डिनर। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छा कोई मीट वाला है, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दस्तार खान तो ही इज़ टेकिंग अस टू दैट प्लेस। सो लेट्स सी हाउ इज़ द प्लेस एंड हाउ इज़ द फूड। आई लुक एट द व्यू इन द नाइट, दिस इज लखनऊ। रात को ट्रैफिक नहीं होता बट फिर भी 9-10 बज गया है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक है यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा दिल्ली जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ भी रहता है, लोग बाहर घूम रहे होते हैं रात में भी। ऑल दो इट्स द कैपिटल ऑफ UP,